नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर। जी, नमस्कार 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 सर। मैं तो बहुत स्ट्रेस फ्री फील कर रहा हूँ सर, मतलब मजा आ गया, लिटरली मजा आ गया। क्यों, किस बात में मजा आया मनोज सर आपको? देखो, कल एनटीए ने डेट निकाला है जेईई मेंस का पहला अटेम्प्ट, तो सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा है कि आप की कोई भी डेट एग्जाम की बोर्ड के साथ क्लैश नहीं करेगी। 31 तारीख को आप जेईई मेंस दो, 1 तारीख को बोर्ड देना। बिल्कुल बढ़िया बात है, क्लैश नहीं कर बिल्कुल बिल्कुल क्लैश नहीं कर रही। और सर, गवर्नमेंट हमेशा कहती है कि बच्चों को बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रखना चाहिए, बिल्कुल उनके ऊपर बिल्कुल भी मेंटल स्ट्रेस नहीं आना चाहिए एग्जाम को लेकर। तो नहीं आ रहा सर, इसीलिए उन्होंने सितंबर में सेशन शुरू किया और जनवरी में एग्जाम करवाया ताकि बच्चों के ऊपर किसी तरह का कोई स्ट्रेस ना आए। उसका रीजन है सर, उनका मानना है कि जहां 7 महीने बच्चा तैयारी में स्ट्रेस लेता, 4 महीने में करवा दो। बिल्कुल सही, अब तो स्ट्रेस लेने का कोई फायदा नहीं है। मेंस इंडिया की मोस्ट प्रेस्टीजियस एग्जाम है, उसके लिए बच्चा 4 महीने में तैयारी करके फोड़ा फाड़ी मचा कराएगा। बिल्कुल, 4 महीने में 2 साल का सिलेबस बच्चा कंप्लीट कर लेगा और बिना स्ट्रेस लिए। बिना स्ट्रेस लिए। और सबसे बड़ी बात, 12th वालों को 75% का क्राइटेरिया दिया। मतलब आप देखो मजेदार, मतलब हाँ, ईश्वर अभी तक पूरे देश को, पूरे विश्व को कोविड फ्री नहीं कर पाया, लेकिन हमारे देश की सरकार मान चुकी है कि कोविड का इफेक्ट बच्चों से गायब। एक बार वो तो मान लेते हैं, वो मैं मान सकता हूँ मनोज सर, बिल्कुल कि मैं आई कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग कि थोड़ा सा वो इफेक्ट अब डोमिनेट, मतलब जो उतना रहा था वो नहीं रहा है अब तो। ये अगर गवर्नमेंट को पहले से प्लानिंग करना था तो उन्हें पहले से अनाउंस भी करना चाहिए था सर, और यहाँ कोर्स का रिडक्शन वगैरह कुछ पहले। आप बता रहे हो 30 दिन बाद एग्जाम देना है, और आज से 20 दिन पहले आपने जब कहीं से न्यूज आया था कि ना जनवरी में एग्जाम हो सकता है, तब आपने डिनाई किया था कि अभी तक हमारी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग नहीं। और आप आके एकदम से सडन ये कह देते हो कि भाई हाँ अब एग्जाम लेना है, मजाक बना लिया है सर। मतलब जो मुझे लग रहा है बच्चे तनाव मुक्त करना है ना सर, मतलब तनाव नहीं, एक्चुअली आप किसी बच्चे को कोई तनाव ही नहीं रहेगा, वो पड़ेगा ही नहीं कि मैं आराम से एग्जाम देने जा रहा हूँ। ये तो बिल्कुल, कई बच्चों सर टारगेट ही अप्रैल वाला अटेम्प्ट करेंगे, बिल्कुल ये मान के चले उनके पास एक ही अटेम्प्ट है। 12th वाले बच्चों माइट भी हो सकता है गवर्नमेंट ने ये सोर्स ऑफ इनकम के लिए रखा कि फॉर्म्स भराए मेरे बच्चे और देने तक हो जाएगा। 12th के बच्चों का देखो प्री बोर्ड भी है उसके, हां क्या कहते हैं उसके प्रैक्टिकल्स भी हैं, उसका बोर्ड एग्जाम भी है, और उसे जेईई मेंस भी देना है, बिल्कुल, और पूरी तैयारी के साथ देना है। कोई ऐसा नहीं है कि मतलब जेईई मेंस जैसा पेपर, ये भी नहीं है कि बहुत आसानी से हो जाता है बच्चों से, बिल्कुल। तो मतलब ऐसे में मजाक बना लिया बच्चों का, मैं समझता हूँ कि ये गलत है। सरकार से निवेदन है भैया, इस पर एक बार पुनर्विचार किया जाए, क्योंकि बच्चों के लिए यदि आप वाकई सोचते हैं जो आप बार बार क्लेम करते हैं, तो आप एक बार फिर सोचे, समय पे बताएं। आप जनवरी में करवाने में कोई दिक्कत नहीं थी, आप नवम्बर में बता देते, बिल्कुल जी। और मेरे हिसाब से अगर सरकार को 2 अटेम्प्ट लेने ही है तो आप उसे मार्च और उधर अप्रैल, इस तरह से पहले भी सर ये बात हमने वीडियो पे कही थी कि आप एक मार्च और एक अप्रैल में रखते। बिल्कुल। और दूसरी बात सर ये है कि आप अगले सेशन को टाइम पे करना चाहते हो, इसलिए इस सेशन को कचरे में काट दो। बिल्कुल नहीं, मतलब ये गलत है। मतलब इस साल जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं सर, उनका क्या दोष है ये? क्या उनका यही दोष है कि वो 2022 में एग्जाम या 2023 में एग्जाम दे रहे हैं? सिर्फ ये उनकी गलती है, ये बच्चों के बारे में सोच के नहीं किया गया, नहीं, ये सच्चाई है। बिल्कुल जी, सिर्फ अपना वो देखा गया है कि हमारा वो सब सेट हो जाना चाहिए वापस से। ऐसा उसके लाने के और भी तरीके थे, हमने पहले भी कहा था, तरीके बड़े आसानी से हो सकते हैं। आप मार्च और अप्रैल में करवा लेते, अप्रैल में कराइए, मई में जय एडवांस कराइए। और मेरा एक मत ये भी है, बाय 2 अटेम्प्ट्स, अब सीधे एक ही अटेम्प्ट, इस साल एक अटेम्प्ट रख लो, अगले साल कर लेना दो। ये भी बिल्कुल, ये भी एक अच्छा सजेशन। लेकिन सर इसमें दो करवा के और एक इतनी जल्दी करवा के, आप एक तरह से दूसरा भी किल कर रहे हैं बच्चे, कहीं ना कहीं मेंटल। आप देखिए बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं और उनमें कोई भी ऐसा नहीं होता कि 2 बार देना, बिल्कुल क्यों देना है 2 बार? आप नीट एक बार करवा रहे हो, आप CUET एक बार करवा रहे हो, एक ही बार करा के आप उसे 4 दिन की जगह 5-6 दिन करवा दीजिए। ब्लेम कर रहे हैं कि हाँ हम बच्चे को चांस देना चाह रहे हैं, आप उसकी पहले मेंटली वाट लगा दे रहे हैं, बिल्कुल जी, जनवरी में, और आप कह रहे हैं कि नहीं अब तुम अप्रैल के हिसाब से जो है वो करो। ये जो चीजें हैं ये कहीं गलत है। अब लेकिन इसमें सब अब हो गया है, हाँ हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से कि दोबारा सोचा जाए, लेकिन मान लीजिए अटेम्प्ट अब हो भी रहे हैं तो बच्चों के लिए हमारे क्या जो हाँ एक तरह से मतलब मुझे कि बच्चों को हमें क्या करना चाहिए, ये लगता है कि एटलीस्ट वट एवर बी द सर्कमस्टांसेस, इस बार अगर पॉसिबल नहीं था तो सिंगल अटेम्प्ट लेना चाहिए था। बिल्कुल। मनीष सर भी हमारे साथ आ गए, मनीष सर आइए, हाई टाइम है भाई। मनीष सर आपका क्या कहना है कि जनवरी में जो पहला अटेम्प्ट हो रहा है, बच्चों का स्ट्रेस तो बिल्कुल फ्री हो ही चुका है गवर्नमेंट के हिसाब से?
सरकार तो ऐसा सोचती है कि भाई आज अनाउंस कर दें कल पेपर ले लें, हाँ। ना कोई प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, ना बच्चों का कोई मेंटल स्टेट है। सर अब वो पहले आपको याद है एक बार बीच में याद है कि सरकार को एग्जाम कराने के लिए लंबा टाइम चाहिए होता है, 2-3 महीने का। बिल्कुल बिल्कुल, पहले ऐसे आर्ग्यूमेंट दिए जाते थे, अब सरकार को चुनाव कराने के लिए लंबा समय चाहिए। बिल्कुल सही बात, चुनाव के लिए 30 दिन नहीं है पर्याप्त। और अभी तो रुको, जरा सब्र करो, अभी तो एग्जाम ठीक से हो जाए। सही बात है, वो बहुत बड़ी बात है, तो टेक्निकल ग्लिचेस आएंगे, बिल्कुल है ना, हो सकता है चीटिंग भी हो जाए, सब बहुत सारी बातें भी हो रही हैं आप सभी को। तो भैया हम सब की तरफ से रिक्वेस्ट है भाई कि इसको अगर पॉसिबल हो सके तो रिकंसीडर करा जाए और बच्चों को प्रॉपर टाइम दिया जाए, और अचानक ऑल ऑफ अ सडन परसेंटेज क्राइटेरिया ले आए उसको थोड़ा सा टाइमली बताने की जरूरत है, सो दैट बच्चा सिलेबस तो पढ़ पाए। सर वो इट्स लाइक जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उसको रीअपीयर करने के, मार्क्स इंप्रूव करने के डेट भी जा चुका है, और अब दे आर सेइंग कि 25% क्राइटेरिया है ना, तो दिस इज तो बहुत ज्यादा गलत, अजीब है, अजीब सी सिचुएशन। इसमें बच्चों के बारे में नहीं सोचा गया, ये तय है, डेफिनेटली ये तय है कि बच्चों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा गया। सर बच्चों को तो अपने बारे में सोचना चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए, बच्चों को अपनी वॉइस रेज करनी चाहिए। डेमोक्रेटिक कंट्री में है, बिल्कुल एरिस्टोक्रेटिक कंट्री में नहीं है, हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए, दम से उठानी चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। लेकिन मैं इसमें फिर भी एक बीच में इंटरप्ट करूंगा, बच्चों से एक और रिक्वेस्ट है, आवाज उठा के बैठ जाएं, अपना काम करें, क्योंकि सरकार आपकी सुनेगी इस बात की गारंटी नहीं है, सरकार हमारी सुनेगी इस बात की गारंटी नहीं है। अब जो हो गया है, बच्चे सर यूनाइट होके फोन ही ना भरें एक भी, मान लो हम तो वैसे ही कोचिंग वाले हमारी नहीं सुनेंगे, ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं, पर सही प्लेटफॉर्म पर आवाज तो उठानी चाहिए सर, आज तो बहुत इजी है। बात करें, मुझे लगता है कि अब बच्चों को कम से कम तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, और एक मैं स्पेशली बच्चों से कहना चाहूंगा कि सिलेबस के लिए रश ना करें, बिल्कुल, क्योंकि हाँ कचरा 100% कवर करें लेकिन कचरा करके करें उसका कोई फायदा नहीं है, 70% आपके 99% के लिए काफी होता है यदि आप स्मार्टली काम करते हैं, उसमें भी सर 12th के सिलेबस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करें। बच्चों से यही रिक्वेस्ट है कि वो बहुत ज्यादा रश ना करें, कूल रहें, और यदि होता है तो निश्चित रूप से बहुत आराम से दें, आप अभी भी अच्छा कर सकते हैं। और ये भी मान के चले कि लगभग मोर देन 90% स्टूडेंट्स की हालत आपके जैसी है, सही बात, हो सकता है 10% पहले से कुछ तैयारी कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट हो, बट मोर देन 90% वो 10% 12th वाले हैं, पर उनको भी बोर्ड भी देना है, प्री बोर्ड भी देना है, हालत एक जैसी होगी, आप लोग अननेसेसरली गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया स्पेस पैनिक ना लें, बिल्कुल आप सब एक ही नाव में सवार है जिनमें सेम साइज के छेद हैं, बिल्कुल आप टेंशन ना लें, डूबेगी तो सबकी डूबेगी और चलेगी तो सबकी चलेगी, आप आवाज भी उठाएं लेकिन समय ज्यादा बर्बाद ना करें, पता चला कि आवाज ही उठाने में रह गए वो, बिल्कुल सही, बिल्कुल मेरी तरह गला बैठ गया, आवाज उठा देता। चलिए सो बस बेस्ट ऑफ लक, और कोशिश करते हैं कि डेट्स चेंज हो, एक बार और सरकार से मतलब करबद्ध स्ट्रांगली कंडेम करते हैं इसको, है ना, और कोशिश करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, चलिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।